वेलकम बैक फ्रेंड्स, एजू फॉर टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी कंसेप्ट सीरीज को हम लोग आगे की तरफ और मूव करते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है। तो देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख रखा है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, कोई भी मेरे पास एक स्केल पी बना रखा है जिसमें बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 130 डिग्री पी और -20 डिग्री पी दे रखा है। तो मुझे बताना है क्या कि इस स्केल में क्या वैल्यू रीडिंग होगी करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग इस स्केल पे पी की रीडिंग क्या होगी। तो देखो, यहाँ पे जो मेरा मकसद है वो लेने का, अभी यहाँ पे कह रहा हूँ मैं टेम्परेचर स्केल को देख लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर स्केल, तो टेम्परेचर स्केल से भी क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में हुआ है और आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो टेम्परेचर स्केल में क्या होता है, अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो देखो वाटर में क्या होता है हमारे पास, ये मेरे पास क्या दिखा रहा है, सपोज करो ये मेरे पास है बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं या फिर स्टीम पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास ये दिखा रहा है भी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है भी आइस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ किसकी फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूँ फ़ारेनहाइट में, तो भी मेरे पता है कि 32 फ़ारेनहाइट मेरे पास क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 212 फ़ारेनहाइट क्या होता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, वाटर का। अब मुझे क्या बोला गया है कि सपोज करो यहाँ पे 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे स्केल बनाया गया है जिसको उसने बोला है पी स्केल। तो मुझे क्या निकालनी है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ नहीं कर रखा, उसने क्या यूज़ कर रखा है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है भी 130 पी है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 130 पी, और यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का 20, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है माइनस का 20 डिग्री पी है। मुझे क्या निकालना है इसके करस्पॉन्डिंग, सपोज करो मैंने कोई वैल्यू बोल दी वो क्या होगी पी हो गई, कोई वैल्यू क्या होगी पी हो गई, या फिर आप एक्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। चलो लेट इट बी, मैंने इसको मान लिया कि एक्स डिग्री पी क्या है भी इस 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टेम्परेचर है वाटर का, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, 60 के करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 60, फिर क्या लिखूंगा माइनस करूंगा, और माइनस करूंगा किससे, लो वाले से, तो नीचे लिख दिया है भी 0, फिर क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, फिर बड़ा वाला क्या है भी 100, माइनस करूंगा लो वाले से क्या है भी 0, उसी तरीके से इक्वल टू करूंगा क्या, जैसे ही मैंने यहाँ पे 60 लिखा है तो 60 के करस्पॉन्डिंग मुझे एक्स दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे एक्स लिख दूंगा, 0 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या दिखाई दे रहा है माइनस का 20, तो यहाँ पे माइनस माइनस का 20 पी अपॉन क्या कहता है 100 के करस्पॉन्डिंग 130 है, तो 130 माइनस, फिर क्या है माइनस का 0, 0 करस्पॉन्डिंग है -20, तो ये मैंने -20 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये 60 अपॉन 100 हो गया, ये x प्लस 20 हो चुका है, ये 150 हो गया है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 1 और यहाँ से एक 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 15 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 6 से, तो 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भी x प्लस 20, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 70 डिग्री पी। तो मेरा जो आंसर है भी इसका आंसर है 70 डिग्री पी। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा टेम्परेचर स्केल के बेस था, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो इस टेम्परेचर स्केल की, ठीक है। भी नेक्स्ट देखते हैं क्या कि मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 1 केल्विन की जो वैल्यू होती है, जो 1 केल्विन की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/273.16 टाइम्स ऑफ क्या है भी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये नॉर्मली एक क्वेश्चन जनरली पूछा गया था, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 केल्विन की जो वैल्यू होती है 1/273.16 टाइम्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर या फिर ट्रिपल पॉइंट क्या है भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास सॉलिड लिक्विड और गैसियस फेस क्या होते हैं भी एक साथ देखने को मिलते हैं, कह सकता हूँ ये को एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है, तो इसके बेस पे भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे तीनों के तीनों क्या करते हैं भी बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास यहाँ पे सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा, या मैं कह सकता हूं क्या यहाँ पे सॉलिड लिक्विड भी मिल सकता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड भी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है भी, लिक्विड गैस भी मिल सकता है, लिक्विड गैस भी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है मुझे यहाँ पे, गैस सॉलिड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और क्या देखने को मिल सकता है, गैस सॉलिड देखने को मिल सकता है, या मैं बोलूँ मुझे क्या मिल सकता है भी, सॉलिड लिक्विड या गैस, तीनों ही देखने को मिल सकते हैं, और भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये तो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं क्या ट्रिपल पॉइंट पे, ये तीनों देखने को मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या मुझे आज का कंसेप्ट देखना है। तो मेरे पास जो सब्सटेंस, क्या कह सकता हूँ, एक कंसेप्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो हम लोग बात किसकी करेंगे भी, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। तो ये प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस कह सकता हूँ कि एक ऐसा कह सकता हूँ कि हमारे पास क्या है भी, सब्सटेंस है जिसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होमोजीनियस होता है थ्रू आउट। कह सकता हूँ कि दो सब्सटेंस आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस इन विच केमिकल कंपोजिशन remains homogeneous throughout the mixture। ठीक है, तो जितना भी मिक्सचर है मेरे पास, अगर होमोजीनियस मेरे को क्या मिल रहा है, कंपोजिशन बोल रहा है, कौन सा केमिकल कंपोजिशन मिल रहा है, तो वो मेरे प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, कुछ केसेस लेता हूं, आपको बताना है कि ये प्योर सब्सटेंस का केस है या नहीं है। सबसे पहला केस मैं लेता हूं कि अगर मैं क्या करता हूं, अभी मिक्सचर करता हूं, गैसियस मिक्सचर, क्या करता हूं मैं, गैसियस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्या करता हूं मैं, गैस की फॉर्म में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर मिक्स करता हूं, तो आपको बताना है ये होमोजीनियस मतलब प्योर सब्सटेंस है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, अभी एक बीकर लिया और इसके अंदर यहाँ पे क्या किया भी, ऑक्सीजन, ये व्हाइट वाली O2 हो गई है, और ये जो येल्लो वाली है ना, ये जो येल्लो वाली है, ये मेरे पास क्या हो गई है, नाइट्रोजन हो गई है, N2 हो गई है। तो अब मुझे बताना है कि ये जो मिक्सचर बन रहा है, क्या ये केमिकल कंपोजिशन है, मतलब कह सकता हूँ कि अगर आप क्या करते हो भी, इतने सैंपल को उठाते हो, तो गैसियस फॉर्म है, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेरे को 50% ऑक्सीजन और 50% नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले हिस्से को उठा के चेक करूं, तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, 50% ऑक्सीजन और 50% क्या मिल रही है, नाइट्रोजन मिल रही है। उसी तरीके से आप कहीं पे भी उठा के चेक कर सकते हो, तो आपको केमिकल कंपोजिशन कैसे मिल रहा है, दोनों गैसेस फॉर्म में है, तो ये जो अपने आप में क्या है, हर जगह थ्रू आउट रह रहा है। तो ये जो मिक्सचर का फॉर्मेशन बना है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ ये मेरे पास प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेकंड केस मेरे पास क्या है भी। सेकंड केस में देख लेता हूं कि मेरे पास अगर लिक्विड H2O और कह सकता हूं लिक्विड हो गया है, और मेरे पास क्या हो सकता है भी, H2O वेपर। तो देखो लिक्विड वाटर और H2O वेपर की बात कर लेता हूं, तो क्या कर रहा हूं अभी, यहां पे ये मेरे पास लिक्विड है, ये लिक्विड वाटर पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास क्या है भी, वेपर है वाटर का। तो अगर आप चेक करना चाहो, तो यहाँ पे कंपोजिशन क्या मिलेगा आपको, H2O ही मिलेगा, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, H2O ही मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या, मैं पूरे कहीं से भी चेक कर लूँ अपने कंपोजिशन का, ये केमिकल कंपोजिशन घन पर क्या मिलने वाला है मेरे को, H2O और H2O, तो कह सकता हूँ कि ये भी मेरे पास क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखते हैं भी, थर्ड केस मेरे पास आता है, अगर मैं क्या करता हूँ भी, मस्टर्ड ऑयल को क्या करता हूँ, अगर मस्टर्ड ऑयल को किसके साथ मिक्स करता हूँ, वाटर के साथ अगर मिक्स करूँ, तो हमें पता है भी अगर ये मेरा वाटर है, ये मेरे पास वाटर है, और अगर मैं क्या करता हूँ भी, इसको किसके साथ मिक्स कर रहा हूँ, मस्टर्ड ऑयल है ये, तो क्या होता है, हमें पता है कि जो मस्टर्ड ऑयल है वो वाटर पे फ्लोट कर जाता है, तो वो क्या होता है, चेंज नहीं हो पाता। तो अगर मैं यहाँ पे कंपोजिशन देखूंगा, तो यहाँ मुझे अगर वाटर है तो H2O दिखाई देगा, यहाँ देखूंगा तो मस्टर्ड का कुछ कंपोजिशन दिखाई देगा, और यहाँ चेक करूंगा तो थोड़ा बहुत कुछ वेरिएशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे सॉल्यूशन में मुझे क्या मिल रहा है, कंपोजिशन होमोजीनस नहीं होने की वजह से ये जो मेरे पास बन गया है, इसको मैंने क्या बोल दिया, नॉन होमो
होमोजीनस है ना, नॉन होमोजीनस मतलब क्या है कि नॉट अ प्योर सब्सटेंस, तो ये प्योर सब्सटेंस क्या है भी हमारे लिए नहीं है। ठीक है भी, और मेरे पास एक केस और आता है, हमारे पास जो लास्ट केस आता है केस नंबर फोर, तो केस नंबर फोर क्या है भी, मेरे पास अगर लिक्विड एयर है, क्या है भी लिक्विड एयर के को मैं क्या कर रहा हूँ अगर, और गैसियस एयर को अगर मिला रहा हूँ, लिक्विड एयर और गैसियस एयर को मिलाते हैं, तो देखो लिक्विड एयर है तो एयर में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है भी, एयर में CO2 भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं। तो मुझे एक चीज पता है कि जो लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड एयर की, तो लिक्विड एयर जो बनती है, जो लिक्विड एयर का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है कह सकता हूँ, टेम्परेचर है जिस टाइम पे कोई गैस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही है, लिक्विड फॉर्म हो रही है। जैसे CO2 गैस है तो CO2 कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू पे आके लिक्विड बनेगी, नाइट्रोजन भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे आके क्या बनेगी, लिक्विड बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो सकता है ये सारी की सारी क्या है, अलग अलग टेम्परेचर होने की वजह से लिक्विड कह सकता हूँ, लिक्विड पॉइंट सबका अलग अलग होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं ये गैसेस एयर को इस लिक्विड वाले के साथ मिलाऊंगा तो ये जो कंपोजिशन बनेगा वो क्या बनेगा, नॉट अ प्योर सब्सटेंस नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि लिक्विड एयर का या फिर कह सकता हूँ डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट लिक्विड टेम्परेचर, इसलिए क्या होगा ये मेरे पास लिक्विड का केस नहीं बनता है, प्योर सब्सटेंस का केस नहीं बनता है। तो ये कहानी थी किसकी, प्योर सब्सटेंस होने की या ना होने की। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और बचता है और हम क्या करेंगे भी इस वाले कह सकता हूँ चैप्टर को यहाँ पे क्या करेंगे, फिनिश करेंगे इस वाले कंसेप्ट को भी। तो मेरे पास एक और आती है गिब्स फेज रूल, गिब्स फेज रूल, तो गिब्स फेज रूल की बात कर लेता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास P प्लस एफ इक्वल टू क्या होता है भी C प्लस टू होता है, P प्लस एफ क्या होता है C प्लस टू के इक्वल होता है, जहां पे ये जो P है, P मुझे बताता है कि नंबर ऑफ फेजेस कितने प्रेजेंट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, उसके नंबर के बारे में बता रहा है। एफ क्या बताता है मुझे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या बताता है भी, डिग्री ऑफ फ्रीडम डी ओ एफ। सी क्या बताता है मुझे, कितने केमिकल्स हैं, कह सकता हूँ कि केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन मतलब कितने केमिकल मेरे क्या हो रहे हैं इसमें, कंपोजिशन है ना। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो, टू तो यहाँ पे टू है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, हमें क्या निकालना है भी, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड required to fix the state of a system, किसी भी system की state को fix करने के लिए कितनी minimum number of properties requirement होती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, degree of freedom बोलते हैं। तो चलो हम लोग check कर लेते हैं भी, हमारे पास degree of freedom को यहाँ पे check कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने जो case देखा था pure substance का, हमने क्या किया था, जो मेरे पास जो जो ऑक्सीजन थी और मेरे पास जो नाइट्रोजन थी, दोनों एक ऐसी थी गैसियस फॉर्म में था, तो जब मैं इनको फिक्स करता हूँ तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। तो देखो यहाँ पे फेज की बात कर लेता हूँ, तो फेज मेरे पास एक रहेगा, क्यों, क्योंकि फेज कैसा है भी, गैसियस फेज है। फिर मैं बात कर लेता हूँ कंपोजिशन की, तो यहाँ पे मेरे पास जो कंपोजिशन है भी, मेरे पास क्या, एक ऑक्सीजन मिल रही है और एक नाइट्रोजन मिल रही है, तो दो केमिकल्स मिल रहे हैं, तो दो केमिकल्स मिल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई। तो P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू लगाता हूं, तो P की वैल्यू कितनी है, एक, F की वैल्यू, F नहीं पता, ये टू है, ये टू है, तो यहां से F की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, तीन आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर कह सकता हूं कि तीन मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए, तभी मैं बता पाऊंगा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो मिली है जिस सिस्टम में उसकी स्टेट क्या हुई। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि अगर लिक्विड हमने वाटर लिया था और हमने क्या लिया था भी, गैस फॉर्म में या फिर कह सकता हूँ वेपर H2O लिया था, तो यहाँ पे देखो फेज क्या है मेरे पास, एक लिक्विड है, एक गैसेस है, तो दो फेज है। कंपोजिशन कितना है भी मेरे पास, एक ही है, दोनों ही क्या है भी, H2O है। तो यहाँ पे P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू लगाऊंगा, तो P की वैल्यू टू हो गई, F पता नहीं, C कितना है भी वन, और ये टू, टू से टू कट जाएगा, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है हमारे पास, वन आ रही है, तो कह सकता हूँ कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी।
और केस ले लेते हैं हमारे, अब हमारे पास एक केस था भी किसका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का ले लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में मैंने बताया था कि सॉलिड भी आता है, लिक्विड भी आता है, गैसेस भी आते हैं, तो तीनों फेज एग्जिट करते हैं, तो पी की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी। कंपोजिशन कितना है भी, एक ही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये तो वाटर ही है, तो पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस 2 लिखता हूँ, तो यहाँ से पी की वैल्यू 3 है, एफ कितना है भी एफ ही रहेगा, सी कितना है 1 और ये कितना हो गया 2, तो ये कट जाएगा 3 से 3, तो बचेगा क्या 0। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको एक फिक्स्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बता रहा है भी, ये फिक्स्ड पॉइंट बता रहा है आपके पास कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, तो इतना था भी हमारे पास, कह सकता हूँ कि इस आज के कंसेप्ट में। अब हम क्या करेंगे आगे, अपने पास जो नया कंसेप्ट लेके आएंगे, ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ेंगे, थर्मो के और कंसेप्ट को सीखेंगे, नए नए अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे जो आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं, ताकि आप क्वेश्चंस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करो तो आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। बाकी प्रॉब्लम्स के लिए हमने क्या कर रखा है भी, यहाँ पे हमारी क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है, तो आप उनको भी देखें, ताकि आपका क्या सकता हूँ कि साथ साथ काफ़ी सिलेबस कंप्लीट होता रहे जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कह सकता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो से आप जुड़े रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस गाइस, थैंक यू।